बैक टू माई चैनल। और आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ ज्यूरिख सिटी। सो आप मेरे बगल में देख रहे हैं ट्रैम वगैरह सारी चल रही है और ये बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। और अभी मैं ले जाने वाली हूँ आपको ज्यूरिख के ओल्ड टाउन में। एंड इन द बैकग्राउंड आप सुन रहे होंगे चर्च की बेल्स बज रही है। फ्रेंड्स, तो अब मैं आ गई हूँ ज्यूरिख के ओल्ड टाउन में। और यहाँ बेसिकली ज्यूरिख में घूमने वाला ये आपका म्यूज़ियम हो गया। ये लिमट रिवर है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बेहद खूबसूरत रिवर है। और इसके किनारे किनारे ही सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और शॉपिंग एरिया है टोटली। सो यू कैन स्पेंड अ नाइस इवनिंग हेयर, यू कैन डू शॉपिंग और लाइक यू कैन हैव गुड नाइस फूड। इफ़ यू आर फूड एक्सप्लोरर, यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हेयर। इसके अलावा यहाँ क्रूज़ भी है जो चलता है। मैं इस बार क्रूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पेरिस में ऑलरेडी रिवर क्रूज़ कर चुकी हूँ, तो अब मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं ये सिटी एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। और आप उधर देखिए, सामने वो चर्च बना है, मतलब टोटल ओल्ड टाउन में टोटल ओल्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये रिवर, मैं आपको एक व्यू देती हूँ। बहुत ही घूमने में मज़ा आती है क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, स्पेशली ये छोटी एज के जो बच्चे होते हैं, अंडर 5 होते हैं, ये बहुत नोटोरियस होते हैं। ये आपको जान जाते हैं ना, आप घूमने जा रहे हो तो फिर ये और बहुत सी चीज़ों की डिमांड करते हैं, जहाँ मार्केट देखते सब कुछ। खैर, मेरा भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम ट्रैवलिंग करते हैं और उसमें बहुत कोऑपरेट करता है, बट फिर भी बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो फिर बच्चे जब सो जाते हैं तो हम ऐसा कुछ शेड्यूल करते हैं कि जब हमारा बच्चा सो जाता है तब हम शॉपिंग वगैरह मोस्ट ऑफ़ द कम्प्लीट कर लेते हैं। और ये देखिए ट्रैम है, इधर से चलती जा रही है। अब देखिए इधर साइड बाई साइड शॉप्स बनी हुई हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे पेरिस में जब हम यहाँ पर पेरिस का ओल्ड टाउन कर रहे थे, तो वहाँ पर काइंड ऑफ एक जैसे ना क्राइम बहुत है, तो पॉकेट पिकेटिंग बहुत होती है। ये देखिए क्लॉक टावर है इसका। और फ्रेंड्स, वहाँ पेरिस में मैं आपको बात बता रही थी कि जो पेरिस है वहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हमारे साथ भी एक एक्सीडेंट होते होते बचा, हमारे मेरे पर्स को किसी ने पीछे से खोलने की कोशिश की तो मैंने उसे पकड़ लिया, देन ही रैन अवे। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड का भी, उन्होंने ऑलमोस्ट पॉकेट पिकटिंग कर चुके थे, ऑलमोस्ट पॉकेट में हाथ अंदर डाल दिया था, बट उन्होंने चूँकि पकड़ लिया था। लेकिन यहाँ पर पेरिस में ऐसा हुआ था, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिख में इतना कुछ क्राइम मुझे लगा नहीं। और आप फ़ोन वोन कुछ भी ऐसा इतना छुपाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बट हाँ पेरिस में आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। And look at the view there. So friends, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट ऑफ द ज्यूरिख, इवन ऑफ द यूरोप। या यहाँ यूरोप के बड़े बड़े महंगे महंगे ब्रांड्स मिलते हैं। और आपको एक व्यू दिखाते हैं मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, लेट्स सी।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 80% का ये लिखा हुआ है, दैट इज़ टोटली यू नो ये स्कैम काइंड ऑफ होता है। लिखा 80% है, इतना महंगा कर देंगे कि उसका 80% लेस करने के बाद में भी आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे जनरली जो चीज़ें होती हैं। सो या इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ लाइक अ गुड बजट, यू कैन बाय हेयर। अदरवाइज दीज आर द वेरी एक्सपेंसिव क्लोथिंग एंड थिंग्स आर वेरी लाइक यू नो एक्सपेंसिव। Wow. So friends, अब हम आपको दिखाने वाले हैं म्यूजियम के अंदर इतना इंटरेस्टिंग क्या चीजें हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि म्यूजियम के अंदर इतना इंटरेस्टिंग कुछ हो सकता है। सो लेट्स सी। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी जर्नी एंड होती है और हम फ्लाइट पकड़ रहे हैं यूएस की ज्यूरिख एयरपोर्ट से। सो ये हमारा होटल है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है एयरपोर्ट से। यू कैन सी हेयर द एस्केलेटर, दीज आर गोइंग डायरेक्टली टू द एयरपोर्ट इनसाइड। सो आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सो या एंड 3 5-star होटल्स आर अवेलेबल इन द एयरपोर्ट, रेडिसन ब्लू, हयात और एक और कोई है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, तो वो तीन है। तो हम अभी रेडिसन ब्लू से चेकआउट कर रहे हैं एंड या लुक एट द ह्यूज लाउंज हियर एंड मेरी जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है और मिलते हैं अगले थैंक यू। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।